अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने गर्मियों के हिसाब की स्लीव्स तैयार की है। किसी भी ब्रांडेड सूट में आप इसी तरह की स्लीव्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड सूटों में इसी तरह की हल्की स्लीव्स तैयार होती हैं। चले आए देखते हैं किस तरह तैयार की है। ये हमारी कमीज से बचा हुआ बॉर्डर है, ठीक है, और ये भी इसी का बचा हुआ बॉर्डर है, पूरा एक ही बॉर्डर है ये। इस पर हमने जीरो की बुकरम लगा दी, ठीक है। इसकी चौड़ाई है तकरीबन 5 इंच है, ये 4 इंच तैयार हो जाएगी, ठीक है, दोनों साइड से मुड़ेगी ये। और ये हमारी पट्टी है 1.25 इंच चौड़ी, ठीक है, और ये तकरीबन 7 इंच लंबी है। तो हम इसे यहाँ से दोनों को बराबर रख लेंगे और यहाँ से इस तरह डबल कर लेंगे, ठीक है, और इस साइड से हम इसके कट लगाएंगे इस तरह। ये पट्टियाँ हम इस वाले जो है ना बॉर्डर पे चिपकाएंगे पतले, बिल्कुल इसी पे आना चाहिए। जितना चौड़ा आपका बॉर्डर होगा आप उतनी चौड़ी जो है ना बुकरम की पट्टी काटेंगे। ये हम चिपका लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इस पट्टी को भी, ये जो हमारा बॉर्डर है यहाँ से भी हम इसे मोड़ लेंगे और इस साइड से भी मोड़ेंगे, प्रेस कर लेंगे हम इसे। ठीक है, ये बॉर्डर मैंने दोनों साइड से मोड़ के प्रेस कर लिया और ये पट्टियाँ हम चिपका लेंगे। मैंने चिपका लिया, ठीक है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हम ये एक ले लेंगे, ठीक है, एक हम स्लीव्स ले लेंगे क्योंकि हम एक स्लीव्स आपको तैयार करके बताएंगे, ठीक है। ये एक स्लीव्स हो गई हमारी, एक ही हमारी पट्टी हो गई, और इसकी हम कटिंग करेंगे, इसे भी हम दो पट्टियाँ करेंगे, इसे इस तरह डबल कर लेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से बराबर रखेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हमें इसकी यहाँ से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ से हम इसे बीच से काट देंगे तो हमारी दो स्लीव्स में ही पूरा आ जाएगा। तो एक स्लीव्स का सामान हम लेके मशीन पे जाएंगे, मशीन पे इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम इसे पहले सिलाई लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे इस तरह फिनिशिंग दे देंगे, यहाँ से हम इसे बराबर रखेंगे, यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, इस साइड पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे और इस साइड पे। कर लेंगे कोई भी नोक वाली चीज आप इसके अंदर घुसा के इसकी नोक निकाल सकते हैं। ये देखें हमारी नोक निकल गई है, ठीक है। अब ये पट्टी लगाएंगे हम स्लीव्स में, आपको ऊपर की साइड जो भी पट्टी लानी है ना आप उस पर पहले सिलाई लगाएंगे। इसे हम इस तरह खोल लेंगे, ये हमारी सीधी साइड है स्लीव्स की, ठीक है, ये साइड हम जो है ना इस तरह रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ये साइड ऊपर लानी है तो आप पहले इस साइड को रखेंगे इस तरह, ठीक है, लेकिन हमें ये साइड ऊपर लानी है तो हम इसे इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये मैंने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है, और ये देखें 4 इंच हमारा तैयार हुआ है। तो इस पर हम नीचे की साइड 1.5 इंच रहने देंगे और 2.5 इंच जो है ना ऊपर की साइड ले जाएंगे। इसे हम नाप लेंगे, ठीक है, ये 2.5 इंच तकरीबन हमारा हो रहा है। तो इसे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, हल्की सी पक्का कर देंगे। ठीक है, ये हमने सिलाई लगा ली यहाँ पे, अभी हमारी पट्टी तैयार हुई है। ये देखें 7 इंच है, तो इसके यहाँ 3 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे और इसे स्लिप्स को इस तरह उल्टा रख लेंगे और ये निशान लगाए निशान को हम इसके साथ मिला लेंगे यहाँ पे इस तरह, और इसके सेंटर में यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे।
वाली ठीक है, अब इससे डबल कर लेंगे इस तरह। यहाँ से हमारी पट्टी बराबर आनी चाहिए, ये यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के स्लीव सीधी करनी है, ठीक है। देखिए 3/4 हमने स्लीव्स की तैयार की है, ठीक है। गर्मियों में तकरीबन इसी तरह की स्लीव्स चलती हैं। ये हमारा कफनुमा भी बन गया, ठीक है। आगे से हमारी लूज भी है, तो आप किसी भी कुर्ती में जो है ना इस तरह की स्लीव्स बना सकते हैं।